नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ जो कि TA की भर्ती है उससे रिलेटेड है। दोस्तों, जो TA की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि TA की भर्तियाँ आ चुकी हैं। दोस्तों, मैं अब इस वीडियो में बताऊँगा कि Zone 1 की जो TA की भर्तियाँ हैं कब हैं और कहाँ पर होगी और कितनी पोस्ट हैं। दोस्तों, 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच कालका भर्ती है दोस्तों, और इसमें 167 पोस्ट हैं। इसी डेट के अंदर लुधियाना भर्ती है, उसके अंदर 142 पोस्ट हैं। फिर उसी डेट के अंदर पालमपुर भर्ती है, इसके अंदर 156 पोस्ट हैं। दोस्तों, यहाँ पर टोटल पोस्ट 465 हैं जो कि बम्पर भर्ती है। दोस्तों, जो युवा आर्मी में शामिल होने का सपना देख रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। ये भर्ती सेम डेट को चलेंगी और इनका पेपर एक साथ ही एक ही दिन होगा। फिर दोस्तों, 12 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच एक भर्ती होगी, वह BD बड़ी के अंदर होगी जिसके अंदर 34 पोस्ट हैं। फिर दोस्तों, अगली भर्ती है वह 18 टू 24 सितंबर को होगी जिसके अंदर दोस्तों 54 पोस्ट है, ये पेंगा झील है वहाँ पर होगी। 26 सितंबर टू 2 अक्टूबर को गंथामुला में भर्ती होगी, इसके अंदर दोस्तों 88 पोस्ट हैं। फिर अगली भर्ती है दोस्तों 4 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच होगी, जो जैगलिस रेजिमेंट है श्रीनगर के अंदर होगी, इसके अंदर 74 पोस्ट हैं। फिर अगली भर्ती है दोस्तों 13 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक होगी, यह फायांग श्रीनगर के अंदर होगी दोस्तों, जिसके अंदर 80 पोस्ट हैं। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, आप तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दें। अगर कर रखी है तो वो अपनी तैयारी को और टाइट कर ले, क्योंकि दोस्तों अबकी बार कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि युवा काफ़ी समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों, TA की भर्ती उनके अंदर एक या दो नए नियम लागू कर दिए गए हैं। एक तो भर्ती जो है वो आपकी इसकी टोटल ड्यूटी के एज है वो 15 साल से घटाकर 7 साल कर दी गई है। 7 साल के भी अंदर दोस्तों 1 साल के अंदर आपको 2 महीने परमानेंटली लगभग अपने जो पिछले टेम्परेरी सिस्टम था उसी हिसाब से घर पर रहना पड़ेगा, और 3 महीने आपकी छुट्टी हुई, यानी 5 महीने साल के अंदर आपको घर रहना होगा। इनमें से 2 महीने जो टेम्परेरी बेस है उसकी आपको सैलरी भी नहीं दी जाएगी, और आपको पेंशन के बाद न तो आपका एक्स सर्विसमैन कोटा होगा, न मेडिकल होगा, न कोई आपको कैंटीन सुविधा दी जाएगी। तो दोस्तों, अब की बार अगर आप TA भर्ती के अंदर पैसा देना चाहते हैं तो सोच समझ कर दें, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अब कोई फायदा नहीं है पैसा देने का। ये आपको देश सेवा के लिए कुछ साल सेवा करने का मौका दे रही है, ये समझ कर अपना भर्ती देखें, न कि आप इसके अंदर अपना करियर देखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।